आपका सवाल है, हमारे मंदिरों में क्यों नौजवान नहीं जाता? यह हालत मंदिरों की ही नहीं, चर्चों की भी है और मस्जिदों की भी है। आज नौजवान हट रहा है, लेकिन मैं यह चीज़ हॉलैंड में देख रहता हूँ, इसलिए हॉलैंड का जानता हूँ। लेकिन आप भारत जाइए तो आपको 98% जवान ही मंदिर में दिखाई पड़ेंगे, पुजारी से लेके वहाँ तक सेवादार लोग प्लस जनता जवान ही। दूसरा, हॉलैंड की हालत मंदिरों की ऐसी क्यों है? क्यों है, इसका एक कारण है, मंदिर के बारे में गलत प्रचार किया गया। पहली बात, मंदिर की जो अच्छाई थी, मंदिर की जो कमेटी थी, वो लोग मंदिर की अच्छाई समाज को नहीं बता पाए, या संकोच बस, या अज्ञानता बस, या विवाद से बचने के लिए। लेकिन मंदिरों और ब्राह्मणों के जो विरोधी थे, इस बात को बहुत ज़्यादा प्रचार करते रहे और आज भी प्रचार हो रहा है। ऐसा नहीं कि प्रचार बंद हो गया, आज भी प्रचार खूब हो रहा है। आप YouTube देख लीजिए, आप Facebook देख लीजिए, लोग फिल्में बना के, देखो मंदिरों में चढ़ावा आ रहा है, मंदिर में मत चढ़ाओ। मैंने तो सुना, एक स्वामी जी ने कहा, जब फूल फेंकते हो, भगवान को चढ़ा हुआ फूल पानी में फेंकते हो, तो पैसा भी क्यों नहीं फेंक देते। मैं स्वामी जी से कहना चाहता हूँ, महाराज जी, सन्यासी को जेब में पैसा नहीं रख के चलना चाहिए। और मैं जानता हूँ कि आप जेब में पैसा आराम से पैसा रख लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको देखा है पैसा रखते हुए। तो कहना बहुत सहज है, लेकिन उस पर चलना बहुत कठिन है। स्वामी जी अगर सुनेंगे तो कभी सुन लेंगे। तो मंदिरों के बारे में प्रचार किया, क्यों किया गया? भारत या हिंदू समाज को या हिंदुस्तान को जब तोड़ने की बात आई, मैं थोड़ा लंबा कर रहा हूँ, लंबा इतिहास है, तो जब इस्लाम को लगा या भारत में आए हुए तथाकथित इस्लामिक लुटेरों को लगा कि ये भारत तो कमज़ोर नहीं हो रहा है, इसकी ताकत कहाँ है, तो उन्होंने दो चीज़ पाई, भारत में एक वर्ण व्यवस्था, दूसरा भारत के मंदिर। किसी देश को अगर तोड़ना है तो दो उपाय है, आप लड़ करके ख़त्म कर दीजिए। तो यह अरेबियन लोगों के मन में था कि हम भारत पहुंचेंगे और जितना सोना है सब लूट लेंगे और लूट करके हम लाएंगे और हम धनी बन जाएंगे। लेकिन जब वो भारत में पहुंचे तो देखा कि वहाँ के क्षत्रिय जो है बड़ी मजबूती से लड़ रहे हैं, लेकिन लड़ाई के समय में भी उनकी खेती हो रही है, उनके सारे काम चल रहे हैं, तो उनकी समझ में नहीं आता था कि ये कैसे हो सकता है, एक देश लड़ रहा है और खेती भी हो रही है। तो होता क्या था, जो क्षत्रिय थे वो लड़ते थे, ब्राह्मण स्कूल चलाता था, जो किसान लोग थे, वैश्य लोग थे, वो अपना बिजनेस और काम करते थे, जो जिनको शूद्र कहा जाता है उनको बदनाम कर दिया गया। शूद्र जो शब्द है वो निकला है शुश्रूषा, सेवा से, जो सेवा करता है। सेवा का क्या काम है, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, लोगों के चीड़ फाड़ करना, लोगों की बीमारी ठीक करना, ये सारा शूद्रों का काम था। तो होता क्या था, जो छत्री बीमार चोट लगती थी उनको ये जो डॉक्टरी की व्यवस्था थी यह उनकी देखभाल करती थी। जो व्यापारी वर्ग था, जिसे वैश्य कहा जाता है, ये अपना बिजनेस चलाता था, खेती करता था। जो ब्राह्मण था वो पढ़ाई में लगा रहता था। जो क्षत्रिय था इन दुश्मनों से लड़ता रहता था। तो व्यवस्था चलती रहती थी, ये हजारों बार आक्रमण करते थे लेकिन जीत नहीं पाते थे, हार के भाग जाते थे। तो इनको लगा कि यही एक वर्ण व्यवस्था एक बड़ी ताकत है, इसको तोड़ा जाए। तो इसको तोड़ने के लिए पहले धोखे से उन राजाओं को हराया, पहला काम किया धोखे से, लड़ करके नहीं, इतनी ताकत उनके अंदर थी ही नहीं कि वो आमने सामने लड़के जीत पाते, धोखे से। चाहे आप पृथ्वीराज चौहान का इतिहास ले लीजिए, चाहे राजा दाहिर सेन का ले लीजिए, सबको धोखे से मारा गया, विश्वास में लेकर के, क्योंकि बहुत कमजोर थी जो सेना आई थी। अब ये जीत गए, इनको लगा कि इनकी ताकत ये है, तो क्या किया,
तो जो वर्ण व्यवस्था जो जो जिसका काम था उसको कहा, अच्छा तुम सेवा करते हो, ठीक है, आज से तुम सेवा नहीं करोगे, भले धर्म बदलो, अपना रिलीजन मुसलमान बनो। तो उन्होंने कहा मैं मुसलमान नहीं बनूंगा। तो ठीक, कल से तुम्हारी पढ़ाई बंद, अब तुम पढ़ोगे नहीं, क्या करोगे, गंदगी धोओगे, मुस्लिम सेना का, तुमसे ज़बरदस्ती मुस्लिम की सेना की गंदगी साफ कराते थे। उन बेचारों से, ब्राह्मणों से कहा तुम अपना जनेऊ उतारो और अपनी शिखा को काटो। कहा जान चली जाए लेकिन मैं नहीं करूँगा। हजारों हजारों ब्राह्मणों के एक एक दिन सिर काट दिए गए, जनेऊ उतार लिया गया, इसको फिर स्कूलों को नष्ट किया गया जो गुरुकुल चलते थे। तब भी हिंदू समाज कमजोर नहीं हुआ। कैसे कमजोर नहीं हुआ, जो मंदिर थे वो शक्ति के केंद्र बन गए, थे ही, अब सारी शक्ति वहां इकट्ठी हो गई। तो इन्होंने क्या किया, मंदिरों को तोड़ना शुरू किया। और आपको इतिहास बताऊं, 80,000 मंदिर भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में तोड़ करके मस्जिदें बना दी गई, 80,000। और एक शर्म की बात बताता हूं, आजाद भारत जिसको हम कहते हैं, 1947 के बाद मात्र कश्मीर में 50,000 मंदिर तोड़े गए, इधर 70 वर्षों के अंदर। और यह कांग्रेस की सरकार, यह गांधी परिवार चुप रहा अपनी वोट और अपनी कुर्सी के लिए। इस सारे दुनिया के सारे हिंदुओं का अपमान है, सारे हिंदुओं का तोड़ा गया, इतने मंदिर तोड़े। अगर इनके शक्ति के केंद्र तोड़ दिए जाते तो हिंदू समाज कमजोर होगा, इसलिए इतने मंदिरों को तोड़ा गया। तब भी हिंदू समाज कमजोर नहीं हुआ, क्योंकि फिर से मंदिर खड़े कर लिए गए, हिंदुओं ने फिर से मंदिर खड़ा किया। वो भी नहीं कर पाए तो इन्होंने मंदिरों को बदनाम करना शुरू किया। तो बदनाम कैसे शुरू किया, पंडित जी चरित्रहीन हैं, पंडित जी गांजा लगाते हैं, पंडित जी दारू पीते हैं, ऐसे ऐसे अफवाहें फैलाने शुरू की। जो धन चढ़ाते हो ना, वो पंडित जी अपने घर ले जाते हैं, पंडित जी लूटते हैं, मंदिरों में लूट मचती है, ये सब शुरू किया। और यह आक्रमण मंदिरों पर आज तक शुरू है। आज तक फिल्म बनाना, मंदिरों में कितना दान आ रहा है, लेकिन ये कोई नहीं बताता वो मंदिर का दान आता है तो क्या होता है, ये नहीं बताएंगे। बस फिल्म चढ़ावा आ रहा है, मत चढ़ाना, ये मंदिरों में चढ़ावा बंद करो, भगवान को पैसे की क्या जरूरत है। जनता जनार्दन, हिंदुत्व में यह जनता ही भगवान है, जो मंदिरों में चढ़ावा आता है उससे जनता की सेवा होती है। तो मंदिरों को बदनाम करना आज तक चला। और सबसे बड़ी दुख की बात है, हम हिंदू भी इस चीज में बिना जाने मैं ही करते हैं। ये जो मंदिर हैं, हमारे हिंदू समाज को आर्थिक रूप से मजबूत करने के केंद्र हैं। अब कहेंगे कैसे, आप बनारस शहर जाइए, जहां से मैं आता हूं, बनारस शहर में एक मंदिर है भगवान श्री बाबा विश्वनाथ जी का, मात्र उस मंदिर के नाते वो पूरा शहर बसा हुआ है। उस पूरे शहर की जो इकोनॉमी है मात्र उस मंदिर से चलती है। क्यों, सारी दुनिया से लोग उस शहर में आते हैं, वहाँ दर्शन करने, वहाँ सामान खरीदते हैं, वहाँ रहते हैं, वहाँ खाते हैं, वहाँ पीते हैं, वहाँ होटलों में रात बिताते हैं, माला फूल खरीदते हैं, प्रसाद खरीदते हैं और बांटते हैं, जिससे वो पूरा पूरे शहर की इकोनॉमी चलती है। आप बताइए क्या कोई फैब्रिक या कोई एक व्यक्ति यह कर सकता है, इतने लोगों का खर्चा आप उठा सकते हैं, कोई कितना भी पढ़ा लिखा हो। मैं उन तमाम पढ़े लिखे लोगों से पूछता हूं, एक मंदिर जो पूरे शहर को जिंदा रखता है, क्या आप 10,000 लोगों को एक बरस तक जिंदा रख सकते हैं अपनी कमाई से खिला करके। इसलिए मंदिर जाइए, आपके मंदिर जाने से, आप केवल आपके मंदिर जाने से इन हजारों लोगों को रोजगार मिल जाएगा।
अगर कोई मंदिर के खिलाफ बोलता है, इसका मतलब हजारों लोगों का पेट मारता है, हजारों लोगों की रोजी रोटी छीनता है, हजारों लोगों को भूखा देखना चाहता है, हजारों लोगों को मरने के लिए छोड़ देना चाहता है। ये हमारे मंदिर एक देश को या एक शहर को बसाते हैं। वह एक सरकार नहीं कर सकती, एक व्यक्ति नहीं कर सकता जो हमारे मंदिर करते हैं। किसी के खिलाफ, मंदिरों के खिलाफ बोलना बड़ा आसान है, लेकिन मंदिर क्या करते हैं, कैसे समाज को चलाते हैं, इसके बारे में सोचना बहुत मुश्किल है। जो तथा कथित, मैं सबकी बात नहीं करता, जो तथा कथित अपने को इंजीनियर, डॉक्टर, मास्टर, टीचर, प्रोफेसर समझते हैं ना, ये किताब के किताबी कीड़े हैं, इनको समाज से कुछ लेना देना नहीं। एक कमरे में बैठ करके किताब पढ़ने वाली बात नहीं है। मंदिरों को समझने के लिए मंदिर जाना पड़ेगा, मंदिर को समझना पड़ेगा। इसलिए अगर मंदिर के खिलाफ कोई बोलता है तो लोग क्या सोचते हैं, अगर एक पढ़ा लिखा आदमी बोलता है मंदिर क्यों जाऊं, तो नौजवान भी सोचता है वो तो प्रोफेसर साहब हैं, जब वो नहीं मंदिर जा रहे, इसलिए मंदिर जाना कोई बहुत बड़ी बात, अच्छी बात नहीं है, इसलिए नौजवान पीछे हट जाता है। लेकिन उन प्रोफेसर साहब की हालत है, ये है कि इतनी मूर्खता उनके अंदर भरी है, इतना स्वार्थ भरा है उनके अंदर, इतना अहंकार भरा है अंदर, कि वो भगवान के सामने सिर नहीं झुकाना चाहते। उन प्रोफेसर साहब को मैं निमंत्रण देता हूँ, उन पढ़े लिखे लोगों को निमंत्रण देता हूँ, एक बार अंदर सुख करिए, एक मंदिर कितने लोगों का पेट भरता है। तो आपका दिमाग, अगर आप सही में समझदार हैं, सही में समझने वाले हैं, तो मंदिर की उपयोगिता आपको समझ में आएगी और आप मंदिर जाने के लिए प्रेरित करेंगे, मंदिर को बदनाम नहीं करेंगे और लोगों को मंदिर जाने से रोकेंगे नहीं। एक छोटा सा मंदिर बरस भर में 10,000 लोगों को भोजन देता है। आप तिरुपति बालाजी जाइए, तिरुपति बालाजी के नाम पर पूरा प्रोविंस बसा हुआ है, उनके नाते वह प्रोविंस जिंदा है, चलता है, रोजी रोटी चलती है। तिरुपति बालाजी जाइए, आप जाइए वैष्णो देवी, रास्ते में गिन लीजिए कितनी दुकानें हैं। वो दुकानें उन दुकानदारों के नाते मंदिर नहीं है, उस मंदिर के नाते वो दुकानदार अपना जीवन चलाता है, अपने बच्चों को पढ़ाता है, अपने बच्चों को खिलाता है, खुद खाता है। ये मंदिर रोजगार देते हैं, लोगों का पेट भरते हैं, ये भगवान भरते हैं, ये पढ़े लिखे लोग नहीं भरते जो मंदिर को खिलाफ बोलते हैं। इसलिए मैं तभी किसी को पढ़ा लिखा मानूंगा जब लोगों को रोजगार दे सके, मैं तभी किसी को पढ़ा लिखा मानूंगा जब लोगों का पेट भर सके, मैं तभी किसी को पढ़ा लिखा मानूंगा जब लोगों की समस्याओं को दूर कर सके। मात्र किताब याद करने से कोई विद्वान नहीं बनता, मात्र कुछ फॉर्मूला बना लेने से कोई विद्वान नहीं बनता। विद्वान कौन है? जो संसार और समाज की समस्याओं को दूर करे। और सबसे बड़ी आज की जो समस्या है वह भूखमरी की समस्या है, और हमारे जो मंदिर हैं यह लाखों लोगों को भूखमरी से बचाते हैं। इसलिए मंदिर जरूरी है, और मैं सबसे प्रार्थना करूंगा, ये जो अफवाह फैलाई जाती है तथाकथित विद्वानों, पढ़े लिखे लोगों के द्वारा, मान लीजिए कि पहली बात अनपढ़ है, दूसरी बात इनको समाज और शास्त्र और अर्थनीति का कुछ नहीं पता है, क्योंकि ये अपने किताबों में लगे हुए हैं। उनसे भी प्रार्थना है, सब लोग प्रेरित होकर के मंदिर जाइए। मंदिर जाने के लिए जो नौजवान नहीं जाता, ये तथाकथित विद्वानों के नाते, इनको तथाकथित विद्वान नहीं कहूँगा मैं, पढ़े लिखे मूर्खों के नाते, नौजवान आज मंदिर से दूर हुआ है। मंदिरों के ही तरह तमाम लोग ब्राह्मणों के बारे में गलत शब्द प्रयोग करते हैं, और वो भी कोई नहीं जो थोड़ा सा अपने को पढ़ा लिखा समझता है, उनको मैं कहना चाहता हूँ, तथाकथित सब नहीं, कुछ और तथाकथित अहंकारी विद्वान, जब देखिए वो ब्राह्मणों के खिलाफ बोलेंगे, अपने बड़े जो है ज्ञानी बन जाएंगे। ब्राह्मण कितना उपयोगी है
और क्या करता है चुपचाप, अगर इसको समझना है तो आपको भगवान राम और भैया भरत की एक कहानी पढ़नी होगी। हम रामचरितमानस को ही रामायण मान चुके हैं, उतने में ही सीमित हो जाते हैं और पढ़ने की शायद हमारे पास समय नहीं रहता, या समय के अभाव से या ज्ञान के अभाव से हम वहाँ तक नहीं पहुँचते। रामायण शतकोटि अपारा, 100 करोड़ से ज़्यादा रामायण है, लेकिन हमने जैसा पढ़ा है, मैं आपको बताता हूँ ब्राह्मणों के बारे में राम जी के विचार। रामायण रामचरितमानस है, वाल्मीकि रामायण है, आनंद रामायण है, अध्यात्म रामायण है, और बंगाली रामायण है, कंब रामायण है, बहुत सारे रामायण हैं। इन सब रामायणों में जगह जगह भगवान राम बोलते हैं। एक दिन बहस होती है भरत जी से और राम जी से। राम जी कहते हैं, भरत, ब्राह्मण इस देश को या संसार को आर्थिक रूप से मजबूत करने वाले देवता हैं। उन्होंने ये शब्द कहा तो मैं सोचा कि ये आर्थिक रूप से मजबूत ब्राह्मण कैसे करता है? ब्राह्मण तो केवल पूजा कराया, दक्षिणा लिया और चला गया, इतना ही करता है। जो तथाकथित आजकल लोग कहते हैं ब्राह्मण, या दक्षिणा लूटता है, मंदिर का लूटता है, लोगों को ग्रह के नाम पर लूटता है, लोगों को जो है पूजा के नाम पर लूटता है, लोगों को सत्यनारायण भगवान के नाम पर लूटता है, और कभी कभी तो शर्म लगती है, कभी कभी सन्यासी लोग ऐसा बोल देते हैं। ऐसे सन्यासी को सन्यास नहीं लेना चाहिए जो ब्राह्मणों के खिलाफ बोले, इनको तो कहीं पानी में कूद जाना चाहिए। इनके ज्ञान को मैं क्या कहूँ। ब्राह्मणों के खिलाफ अगर आप बोलते हैं तो आपको प्रमाण देना चाहिए, पहली बात। राम जी जो कहते हैं उसको सोचिए। राम जी क्या कहते हैं? ब्राह्मण देवता लोग समाज को आर्थिक रूप से मजबूत करते हैं और चलाते हैं। मैं सोचा कि भगवान ये तो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, इसका कुछ तो मतलब होगा अगर भगवान राम स्वयं यह बात कह रहे हैं। और भगवान राम कहते भी है कि सर्वप्रथम भक्ति का जो लक्षण है उसमें पहले ही कहा उन्होंने भक्ति प्राप्ति करने का कि प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, पहले ब्राह्मणों को चरणों में भक्ति करो। क्यों? कि वो समाज को चलाते हैं। अब कैसे चलाते इस पर सोचना है। सोचिए जब हमारे आपके घर में जब पूजा रहती है तो पंडित जी क्या क्या मंगाते हैं? दूध मंगाते हैं, घी मंगाते हैं, मिट्टी का दिया मंगाते हैं, फूल मंगाते हैं, प्रसाद बनवाते हैं, 4-6 लोगों के भोजन के लिए कहते हैं। ये सब मुफ्त में आता है, पैसे से आता है ना? फूल वाले के यहाँ से फूल आता है, पूजा के सामान वाले के यहाँ से पूजा का सामान आता है, मिट्टी के दिया वाले के यहाँ से मिट्टी आता है, नाउ पत्ता लाता है, दुबा घास लाता है, तुलसी लाता है। इन सब का खर्चा कैसे चलता है? पंडित जी की एक पूजा रखवाने से। और एक पंडित जी अगर एक पूजा रोज कराते हैं तो 365 दिन होता है। हम मान लेते हैं कि एक पंडित जी 300 पूजा कराते हैं। अब आर्थिक रूप से आप जोड़ लीजिए, इन सब को रोजी रोटी देने वाला कौन है? पंडित है, ब्राह्मण है, पंडित जी है। और इतने लोगों को रोजी रोटी देना किसी एक व्यक्ति की बस की बात नहीं है, और पंडित जी अकेले कर लेते हैं। इसी देश में जहां हम लोग रहते हैं, जिस देश में हम हैं, मैं जब से रहता हूं कम से कम अगर जोड़ू तो 20 पूजा की दुकानें खुल चुकी हैं। किसके बल पर चलती हैं? किसी डॉक्टर के बल पर चलती हैं, किसी इकोनॉमिस्ट के बल पर चलती हैं, किसी प्रोफेसर के बल पर चलती हैं, किसी बिजनेसमैन के बल पर चलती है? नहीं, ये पंडित जी के बल पर चलती हैं। और इन सब का परिवार पंडित जी के बल पर जीता है। इन सब का परिवार तथा सामान बनाने वालों का परिवार का भरण पोषण कौन करता है? पंडित जी के द्वारा होता है। अगर आप पंडित जी के खिलाफ, ब्राह्मण के खिलाफ और पूजा के खिलाफ बोलते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि आप इतने लोगों को भूखा मरना देखना चाहते हैं।
आप जोड़ लीजिए कितने पंडित हैं, कितनी पूजा होती है, और यह पूजा का सामान कहाँ से आता है, उनका खर्चा कैसे चलता है, आपकी आंखें खुल जाएंगी। इसलिए आपसे प्रार्थना है, बोलने से पहले अगर आप विद्वान बनते हैं, समझदार बनते हैं, तो एक बार अपनी समझदारी दिखाइए, पूजा ब्राह्मण और पंडित के खिलाफ मत बोलिए। क्योंकि एक पंडित जी, मात्र एक पंडित जी जो अपनी झोली में एक किताब, एक शंख, एक घंटी ले रहते हैं, उसके बल पर कितने लोगों को पेट भरने का साधन देते हैं, कितने बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा उपलब्ध कराते हैं, उसका कर्जा आप नहीं भर पाएंगे। इसलिए पंडित जी अगर मिले तो प्रणाम करिए, यही आपसे कहना है। धन्यवाद।